मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे पुस्तक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अभी आपको सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए सॉल्व करने के लिए एकदम बेहद आवश्यक है। ठीक है, तो बात करते हैं, पुस्तक का नाम है सामान्य अध्ययन सॉल्व पेपर। अभी हाल ही में नवीनतम सरकार आने के बाद एक हम लोग देख रहे हैं कि पैटर्न में क्वेश्चन की लेवल एक सामान्य स्तर के आ चुके हैं। तो सामान्य स्तर के प्रश्नों के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा फैक्ट के साथ विगत वर्ष के प्रश्नों को भी सॉल्व करना बेहद आवश्यक है। और विगत वर्षों के यदि हम प्रश्नों के संचय की बात करेंगे तो ये जीएस का है, मतलब इसमें आपको इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, भूगोल, लोक कला संस्कृति, पुरस्कार, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामान्य विज्ञान, ये सबके क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ का भी है। यदि अभी आपको 5-6 जो एग्जाम हुए अभी हाल ही में पीएससी का आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो प्रश्न है वो विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को ऐसे पुस्तक को बार बार सॉल्व करना बेहद आवश्यक हो जाता है। यदि हम सॉल्व ना करें तो हो सकता है कि एक दो अंक से चूक भी सके। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप इसी सॉल्व करें, लेकिन सॉल्व करने के लिए सहायता हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल भी इस वर्ष की पीएससी में वैसे ही लेने होने वाले हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा आप कर सकते हैं स्कोर कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सकता है आप स्कोर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस पुस्तक में क्या क्या विषय को शामिल किया गया है। इसमें एक है इतिहास, भारतीय इतिहास के बारे में है। दूसरे चैप्टर में है भारत के संविधान। तीसरा जाएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। चौथा पर्यावरण। पांचवा है भारत का भूगोल। छठवां है भारत का लोक कला एवं संस्कृति। सातवां जाएंगे पुरस्कार के बारे में उल्लेख है, कई बार यहां से फैक्चुअल आ जाते हैं। नेक्स्ट विज्ञान प्रौद्योगिकी। आठवां और नौवां जाएंगे सामान्य विज्ञान। तो इस पुस्तक को आप निश्चित तौर पर खरीदें और इसमें जो भी प्रश्न दिया गया है उनको तुरंत सॉल्व कर डालें ताकि आपको अगली परीक्षा में आपको इसका सहायता मिल सके। ठीक है, इसमें देखेंगे तो इंडेक्स बनाया गया है इसमें कि हम लोग क्या किए हैं, इसको अलग अलग चैप्टर वाइज कर दिए ताकि आपको अध्ययन करने में सुविधा हो। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अन्य धार्मिक संप्रदाय, इस प्रकार हम लोग अलग अलग कर दिए। यदि सबको एक साथ मिक्स कर देते तो हो सकता है आप चैप्टर वाइज सॉल्व करने में दिक्कत होता। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे तो ये प्राचीन इतिहास अलग है, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास अलग है, आधुनिक इतिहास अलग है। इस तरीके से हम लोग अलग अलग करने का प्रयास किए। जैसे संविधान का ये चैप्टर वाइज है, अर्थव्यवस्था इसी प्रकार है। ठीक है, यदि हम प्रश्नों की बात करेंगे इस तरीके से प्रश्नों में परीक्षा का नाम लिखा रहता है। ठीक है जी, और उसके बाद इसमें हम लोग उसमें संबंधित व्याख्या दे रहते हैं। ठीक है, ताकि आप उसको सॉल्व कर सके, इस तरीके से व्याख्या दी हुई रहती है। ठीक है, इनको आप बढ़िया देखिए, ये विगत वर्ष में जो पूछे गए प्रश्न है इनको आप विशेषता ध्यान रखना, विशेषता ध्यान रखेंगे। इसमें नहीं पूछा गया है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें व्याख्या भी नीचे दिया गया है, इस तरीके से इसमें विवरण दिया गया है। ठीक है, सॉल्व करें बढ़िया ढंग से इसको। ठीक, ये आपके वैदिक काल से संबंधित प्रश्न है, ये आपका गवर्नर गवर्नर जनरल वायस राय उनके कार्य संबंधित अलग अलग कर दिए हम लोग, जैसे बंगाल के गवर्नर। ठीक है, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत के वायस राय, इस तरीके से अलग अलग सेपरेट कर दिए हैं ताकि आपको अध्ययन में बहुत हेल्प हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जैसे ये भारत का गवर्नर जनरल का है, ये भारत का वायस राय का है, इसमें बीच में पेज गैप है ना, जैसे ये आपका 162 है, 164 है, इतना ही कंटेंट नहीं है इसमें, और कंटेंट दिया गया, मतलब मेन कंटेंट मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये आपका महात्मा गांधी जी के बारे में है। ठीक है, यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ये आपका भारतीय संविधान सेगमेंट का है, संविधान निर्माण घटनाक्रम संबंधित बातों के यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे तो ये राज्यपाल संबंधित जो अभी हाल ही में प्रश्न पूछे जा रहे हैं पैटर्न है, सबके बारे में बताएगी, इस तरीके से पैटर्न पूछे जाते हैं, इस परीक्षा में पूछा गया था, इसका सही आंसर, सही व्याख्या, ये सब ख्याल रखना बता रहे हैं इसमें। ठीक है, जैसे कैमरा संबंध की बात हो गया। ठीक, तो इस तरीके से इस पुस्तक में। ठीक है, उसकी वजह से राष्ट्रीय आय के संबंध में है, ये पर्यावरण संबंध में प्रश्न है, ये विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को मेंशन किया गया है, उनकी व्याख्याएं बताई गई है। ठीक है, जैसे ये आपका राज्यों के सामान्य परिचय भारत के भूगोल सेगमेंट का है। इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व पेपर में देखिए कि कुछ स्थानीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, स्थानीय प्रश्न होते हैं तो उनको स्थानीय स्तर पूछा जाता है। जैसे हमारे यहाँ के जो सरगपुरी वंश है, यदि इसको हम लोग एक पुस्तक तौर पर शामिल करें तो ये उत्तर प्रदेश की पीएससी में सरगपुरी वंश के बारे में नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी भूमिका स्थानीय जो बुक होती है इनकी भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें हम लोग सीजी व्यापम और सीजी पीएससी के प्रश्नों को ज्यादा तरह से फोकस किए हैं।
क्योंकि वही प्रश्न बार बार रिपीट होकर हमारे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, निश्चित तौर पर इसको सॉल्व कीजिएगा, जितने ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं उतने आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और वो भी तीव्रता सॉल्व करें ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू।